हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट इन्वेस्टिंग आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ वो है ट्राइडेंट टेक्सो फैब लिमिटेड। ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है और ये कर्टन्स, बेडशीट ये सब बनाती है। दोस्तों, पहले इस कंपनी के बारे में बात करने की जगह हम इसका रिटर्न देखते हैं और फिर बाद में इसके पैरामीटर देखेंगे। तो दोस्तों, पैरामीटर देखिए, जो आज इसने 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 5 दिन में लगभग 11% दिया है, सभी टाइम फ्रेम में इसने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है ग्राहकों को। 24% रिटर्न दिया है एक महीने में, 6 महीने में देखूँ 150% रिटर्न, 1.5 गुना से ज़्यादा कर दिया। ईयर टू डेट 164% जो भी अच्छा है। 1 साल में 200% रिटर्न, लगभग 2 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और 5 साल में तो 5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, लगभग 588%, लगभग 6 गुना के लगभग आपके पैसे कर दिए। तो दोस्तों, 1 साल देखा जाए, चाहे 5 साल चाहे 6 साल, इसने हमेशा ओवर द पीरियड अच्छा खासा रिटर्न ग्राहकों को, जो कस्टमर्स को बना के दिया है, स्टेक होल्डर को। दोस्तों, इस कंपनी के पैरामीटर की बात करते हैं, परंतु उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये कंपनी को मैंने आपको इससे पहले भी सजेस्ट किया था। अगर आप देखोगे तो 25 अप्रैल को मैंने इस पर वीडियो बनाया था, और जबकि इसका प्राइस था 102 रुपये। अगर मैं ये वीडियो को चला कर भी दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हो 25 अप्रैल की इसके लिए तो 102 रुपये, परंतु अभी इसकी वैल्यू कहाँ पे स्टैंड करते, 124 रुपये के लगभग। तो इसने आपको 20 से 22% का रिटर्न आराम से बना के दे दिया विद 2 मंथ्स के अंदर, 2 महीने के अंदर। ये कंपनी में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इसके पैरामीटर है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी 125 करोड़ की, तो इसके जो पैरामीटर है लगभग वो तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इस पैरामीटर पहले देखते हैं, आरओसी और आरओई फैक्टर लगभग 8 और 7 के बराबर है। तो अगर आरओसी और आरओई फैक्टर, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ये लगभग 10 से 15 के लगभग रहता तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, परंतु छोटी कंपनियों के साथ इसमें हम मैनेज कर सकते हैं। यह अभी इसका वैल्यू काफ़ी भाग चुका है, इसलिए स्टॉक का पी अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा है। परंतु जब क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जो देखिए पहले ये जो पहले 0.85 0.19 में डील करती थी, अब धीरे धीरे बढ़कर इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 से 2 करोड़ के बीच में आ रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, पहले जो लगभग 0.991 करोड़ के लगभग था, अब वो बढ़कर 2 करोड़ और अभी तो 4 करोड़ 5 करोड़ के लगभग हो गया। तो साल दर साल कंपनी प्रॉफिट ऑपरेटिंग बढ़ाते जा रही, ये तो इसके पॉजिटिव। बट जब हम इसके बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें एक निगेटिव बात है, कंपनी का जो सरप्लस है, जो रिजर्व है, वो लगभग 2 करोड़ और 6 करोड़ के लगभग है, परंतु इसका जो कर्जा है, जो लोन बोल सकते हैं, बोरोविंग्स अगर आप देखोगे तो ये लगभग 22 से 38 करोड़ के इसमें, लगभग उसके 10 गुने के बराबर है। तो एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि छोटी कंपनी बढ़ने के लिए लोन तो मार्केट से उठाती ही है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि कंपनी अपने आने वाले समय में मैनेजमेंट अच्छा है तो लोन को कम करते जाएंगी और कंपनी अपने प्रोग्रेस जैसा है वैसा बना कर रख सकती है। इस कंपनी का अगर इन्वेस्टर की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के 66% की होल्डिंग है, जो कि दिखाता कि काफ़ी शानदार है। छोटी कंपनी में जनरली जो मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स है, उनके पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं रहती, परंतु इस कंपनी में लगभग 66% की होल्डिंग और पब्लिक है 33% की होल्डिंग है। तो अभी तो इसमें इन्वेस्टर की काफ़ी अच्छा तगड़ी मजबूत पकड़ बोल सकते हैं आप। DII और FIs का होल्डिंग नहीं, क्योंकि इसमें बहुत छोटी कंपनी है, परंतु इसका अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करेंगे, सालाना कितना परसेंट का रिटर्न कंपाउंडेड देती है, तो आप देख सकते हो 1 साल में 200% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 40 से 42% रिटर्न। जनरली बड़ी कंपनियाँ 25, 26 से भी 30% का रिटर्न देती, परंतु इसने 42% का रिटर्न दिया, तो दिखाते कंपनी काफ़ी अच्छी है और आगे बढ़ने की क्षमता है, और अभी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रही है और आगे भी देते ही रहेंगी। सिर्फ इसका जो लोन है, अगर वो लोन कम हो जाए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा और दौड़ेगी। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मैंने आपको अगर देखो सकते हो 25 अप्रैल को भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, ये कंपनी में अगर आप बनाना चाहे तो छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देंगी। और अगर आप देख सकते हो तो इसने जो रिटर्न बना के दिया है अभी देख सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और अगर इसके हम अगर नियर अबाउट टारगेट की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये अभी 148 के टारगेट को टच कर सकती है आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो अगर आप होल्ड कर रखना चाहते हो तो, और 10 से 15% का अगर सोच रहे हो तो ये छोटी कंपनी में लगभग 3 से 5 हज़ार रुपये आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से लगाइए, पैसा आपको निराश नहीं करने देगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार की कंपनी के बारे में जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही, इनकी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।